नमस्कार, मैं रजत हूं और आप जुड़ चुके हैं ललन टॉप के साथ। अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश ने टॉस जीता और भारत को बैटिंग के लिए बुलाया। भारतीय टीम 177 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। 177 रन का पीछा करते हुए बांग्लादेश डकवर्थ लुइस नियमों से 23 गेंद और 3 विकेट रहते जीत गए। इस मैच में जब भारतीय टीम बैटिंग कर रही थी तो कुछ ऐसा हुआ कि एम्पायर को अपना फैसला सुनाने में 3 मिनट से भी ज्यादा का वक्त लग गया। 43वें ओवर की बात है, भारतीय टीम 5 विकेट खोकर 168 रन बनाकर खेल रही थी। रकीबुल हसन बॉलिंग करने के लिए आए, स्ट्राइक पर थे ध्रुव जुरेल। ओवर की पहली गेंद पर एक भी रन नहीं बना। दूसरी गेंद पर ध्रुव ने ऑफ साइड की ओर बल्ला घुमाया और रन के लिए भागे। नॉन स्ट्राइकिंग एंड से अथर्व अंकोलेकर ने क्रीज छोड़ी, लेकिन वो रन के लिए नहीं दौड़े क्योंकि गेंद फील्डर के हाथ में थी। इतनी देर में शमीम हुसैन ने विकेट कीपर अकबर अली तक गेंद पहुंचाई और अकबर ने गिल्लियां बिखेर दी। दूसरी छोर पर ध्रुव और अथर्व थे। ये तो तय हो गया कि भारतीय टीम का एक विकेट गिर चुका है, लेकिन कौन सा बल्लेबाज आउट हुआ है ये बताने में अंपायर्स ने काफी वक्त लिया। ऑन फील्ड एम्पायर ने इस मामले को सुलझाने के लिए थर्ड एम्पायर के पास भेजा। थर्ड एम्पायर ने भी वक्त लिया। थर्ड एम्पायर ने देखा कि कौन सा बल्लेबाज क्रीज में पहले पहुंचा है, इसके बाद अपना फैसला सुनाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि अथर्व क्रीज में पहले पहुंचे थे, ध्रुव उससे थोड़ी सी देरी में। ऐसे में थर्ड एम्पायर ने ध्रुव को आउट किया। ध्रुव 22 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद भारतीय टीम के विकेट लगातार गिरते रहे और पूरी टीम 47.2 ओवर में 177 रन बनाकर सिमट गई। इसके बाद बांग्लादेश खेला और बांग्लादेश ने तय समय से पहले 23 बॉल और 3 विकेट रहते ये मैच जीत लिया और बांग्लादेश पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बना। अंडर 19 वर्ल्ड कप से जुड़ी और कई अपडेट्स दी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए dlalantop.com। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। और हमसे जुड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है दी ललन टॉप की एंड्रॉयड ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।